राजस्थान में मचे सियासी घमासान में आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री और उनके दो विश्वस्तों को राजस्थान के मंत्री पद से हटाने की घोषणा की है। इसके साथ ही पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई की घोषणा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए की। पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है, पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी रमेश और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया आई। सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम हटा दिया है और कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है।